हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड न्यू वीडियो। तो आज का ये वीडियो और आज का ये व्लॉग बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट है, अभी जो पढ़ रहे हैं। आप इंजीनियरिंग में हो या फिर किसी भी कॉलेज में हो, मेडिकल के स्टूडेंट, किसी भी लाइन के आप स्टूडेंट हो या फिर आप ऑफिशियल वर्क के लिए कर रहे, तो इस लैपटॉप को आप लोग ले सकते हैं। आज एक न्यू लैपटॉप के बारे में आपको बताने वाले हैं। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, काफ़ी अच्छा आपको लैपटॉप सिलेक्शन आप कहीं खरीदने जाइएगा तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा अगर आप पहले से जानेंगे इस चीज़ के बारे में। तो जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे, कुछ लोगों को पता होगा हम किस लैपटॉप के बारे में बात कर रहे हैं। एक स्टूडेंट ओरिएंटेड लैपटॉप जिसका नाम है आपका वन ओनली HP पेवेलियन 360 जो इंटेल i5th जनरेशन में आता है। असल में ये 12th जनरेशन का लैपटॉप है, ठीक है, मतलब i5th इंटेल का 5th जनरेशन i5 है प्रोसेसर ये इसका, ठीक। इसमें आपका SSD कार्ड है, तो ये दो वेरिएंट में आ रहा है, अभी अवेलेबल है, एक 8GB रैम में और एक आपका 16GB रैम में। तो चलिए देर नहीं करते हुए झट से आपको दिखाते कि लैपटॉप कैसा है। तो यही है वो लैपटॉप जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ये आपका है जो इंटेल HP पेवेलियन, मतलब इंटेल का i5 जनरेशन वाला 12th जनरेशन i5 प्रोसेसर के साथ, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, देखिए यहाँ पे ये आपका लिखा भी हुआ है यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट इंक्लूड्स ऑफिस होम एंड स्टूडेंट के लिए। और ये आपका इंटेल का i5 का प्रोसेसर है यहाँ पे। ये आपका बेसिकली इसमें जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स रहता है आपका इंटेल का ही रहता है। ये रहा इस टाइप का कुछ स्क्रीन है, असल में ये देखिए ये फोल्डेबल टाइप भी है और इसके साथ एक आपका पेन आता है। तो ये देख सकते हैं आप, जैसे कि ये फोल्ड हो सकता है, देखिए आप लोग थोड़ी इस एंगल से भी देख लीजिए, फोल्ड हो गया, देखिए कम्प्लीटली ये फोल्ड हो गया, देख रहे हैं आप लोग, ये कम्प्लीटली फोल्ड हो चुका है, देखिए ये स्क्रीन है, ठीक। काफ़ी अच्छा है, ये एकदम न्यू है, देखिए ये रहा पीछे इस टाइप से, देखिए आपका कम्प्लीटली फोल्ड हुआ। ये आपका 360 रोटेट कर सकता है, पूरा फोल्डेबल है कम्प्लीट, ठीक। इसके साथ एक आपका पेन आता है राइटेबल, जिससे अपन लिख सकते हैं। असल में इसमें मैग्नेट रहता है, देखिए यहाँ पे अपन लिख भी सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, इसी से पेन से लिख सकते हैं। ये देखिए आपका इसका जो बॉडी है ना, इसका लैपटॉप का, इसमें मैग्नेट रहता है, देखिए ऐसे करेंगे ना, देखिए चिपक जाएगा, ये चिपक जाएगा, देखिए ये चिपक रहा है ना, ये पूरे पूरे बॉडी पर ये आपका मैग्नेट किया हुआ है। और ये आपका इस पर लिख भी सकते हैं, देखिए ऐसे राइटेबल ये असल में, तो लिख करके आप लोग को दिखा सकते हैं। तो लिख करके देखिए, कुछ लिख करके दिखा रहे हैं आपको, देखिए। तो बहुत ही मतलब कि मल्टी टास्किंग बेसिकली लैपटॉप है। आप इसको एज ए नोटबुक भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हैं, आप थोड़ा बहुत गेम भी खेल सकते हैं, मतलब हेवी गेम तो नहीं बट बेसिकली थोड़ा इजी टाइप का गेम खेल सकते, जो कम स्पेस एक्वायर करता हो, रैम का कम यूज लेता हो CPU GPU का। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बता दे रहे कि कैसे कौन सा वाला ये है, अगर आपको नहीं पता हो तो ये HP पेविलियन का X360 है, देखिए ये है आपका, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा लैपटॉप, जैसे कि आपको बताया कि 360 फोल्डेबल है, इसमें अपन लिख भी सकते हैं। तो देखिए ये लैपटॉप किसके लिए यूजेबल है, कौन ज़्यादा, तो सबसे पहले देखिए ये खुद लैपटॉप खुद को डिस्क्राइब कर रहा है कि आप ये होम एंड स्टूडेंट के लिए है, ठीक। तो इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि आप नोट्स बनाएं, आप इससे करके क्या पेन से आप इसमें लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और आप नोट्स बनाएं और नोट्स को सेव करके रख लीजिए, तो आपको कॉपी की नोटबुक की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लैपटॉप से ही आप पढ़ सकते हैं पूरा कंप्लीट, ठीक। और इसकी और अगर बात करें तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे इंटेल का i5 का प्रोसेसर मिल रहा है, तो आप सोच ही सकते हैं कि अभी i3 से बेटर ही है, इंटेल पेंटियम से बेटर है, i3 से बेटर है, i5 मिल ही जा रहा है। अगर इसके कॉस्ट की बात करें तो अराउंड अगर आपको 8GB वाला अगर आपको लेना है तो अराउंड 70 to 72,000 में मिल जाएगा आपको मार्केट में सब चीज़ के साथ। अगर आपको इसकी बात करें तो ये आपका जो है 16GB रैम के साथ वाला है, ये SSD कार्ड तो रहेगा ही, तो ये अराउंड 84 to 85,000 में आपको मिल जाएगा। और EMI वगैरह भी होता है, मतलब EMI वगैरह भी आप करा सकते हैं, आपको बजाज फाइनेंस वगैरह से करवा सकते हैं, वो हर स्टोर पर अवेलेबल रहता है। और प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, जैसे कि यहाँ लिखे है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा आपको, हम पिन कर देंगे लिंक को, आप लोग देख सकते हैं वहाँ से। तो
इस टाइप के लैपटॉप के बारे में आपका क्या रिव्यू है, आप लोग कैसा लैपटॉप है आपके पास, और आप कौन सा लैपटॉप ज़्यादा प्रीफर करते हैं, गेमिंग प्रीफर ज़्यादा अच्छा करते हैं या फिर आपको स्टूडेंट ओरिएंटेड या फिर आपको ऑफिस वर्क के लिए ज़्यादा आपको चाहिए रहता है, तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। और कैसा लगा ये रिव्यू आप बताइए, ओवरऑल रिव्यू नहीं, बेसिकली एक छोटा ऐसा रिव्यू दिया आपको, अगर किसी को जानना है कि और डीप में तो हम ओवरऑल ही बता सकते हैं। बेसिकली अभी हम बताएं कि आपको ये लैपटॉप अगर स्टूडेंट है तो ये कितना यूज़फुल हो सकता है आपके लिए, आप इसको ईजिली जाकर परचेज कर सकते हैं और बताएं एकदम वर्दी है, एकदम बहुत अच्छा ये है, ले सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थोड़ा वीडियो को शॉर्ट रखते हैं क्योंकि अभी और भी किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं हम, तो हम सोच रहे थे कि एक स्टूडेंट के लिए हेल्प करने के लिए एक थोड़ा सा गैजेट भी दिखाए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए। बाय बाय।